सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। वेलकम टू महिंद्रा गुरु, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ mahindraguru.com एंड वी आर बैक विद अवर शो दैट इज रैपिड फायर इन विच यू कैन चेक योर स्पीड एज वेल एज योर एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। जी हाँ बिल्कुल, सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं एक बार उसी चैनल शो पर जिसका नाम है रैपिड फायर। और जैसा कि आप जानते हैं SBI PO 2017 बिल्कुल लाइन अप हो गया है, एकदम करीब आ गया है, तो उसके लिए आपके एफर्ट्स भी बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपने एफर्ट्स को फुलफिल करना और एकदम सही डायरेक्शन में, तो बिल्कुल इस शो के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो राइट पाथ पर है या नहीं है। तो बिल्कुल स्वागत करते हैं सभी अपने दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का, और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल बकल अप हो जाएं और चीजें एकदम रेडी रखें, क्योंकि अब टेस्ट होने वाला है आपकी रिटेनेबिलिटी का। कहीं ना कहीं अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है तो वो सारी चीजें रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं। तो उम्मीद कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं कि सभी रेडी है कि नहीं। कमेंट्स के माध्यम से मुझे दिख रहा है कि सभी रेडी है, तो क्या स्टार्ट किया जाए आज के सेशन को? बिल्कुल स्टार्ट किया जाए, लेकिन उसके संग एक पहले आप फटाफट लिख दीजिए रेडी, जिससे मैं समझ पाऊं आप सभी रेडी हैं, और उसके बाद अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी रेडी हो गए। आई विल और आई कैन की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी दिख रही है, और कहा भी जाता है कि वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और उस डिटर्मिनेशन को जब तक आप शाम तक या रात तक पूरा ना कर लें तभी आप बेड पे जाइए, क्योंकि तब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन फील होगा उसका कोई बयां नहीं कर सकता, और इससे फायदा किसे होने वाला है? आपको ही होने वाला है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी रेडी हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ देखते हैं क्या है। The first question in front of you, who has been named India's next ambassador to the World Trade Organization from June this year? तो किसको विश्व व्यापार संगठन में इस साल जून से भारत का अगला राजदूत नामित किया गया है? And your time starts now. The clock is tickling and the time is going to be end. So I want your answers. I'm over. स्टार्ट हो गया और यहाँ पे टाइम समाप्ति, टाइम इज ओवर नाउ एंड लुक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज JS दीपक। बिल्कुल JS दीपक जो है वो क्या हो गए हैं, अपॉइंट हो गए हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जो कि अपना कार्यभार संभालेंगे कब से, जून से। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी का समझ में आ गया होगा। देखते हैं किस किस ने सही आंसर दिया, बहुत लोग ने। अब फटाफट देखिए स्पीड, आप भी देख पा रहे होंगे हमारे पीछे जो स्क्रीन है, लाइव चैट बॉक्सेस में इतना स्क्रॉल डाउन स्पीडली हो रहा है कि देख पाना बहुत मुश्किल है कि किसने पहले आंसर दिया। इसी स्पीड से लगे रहिए, इसी एक्यूरेसी के संग लगे रहिए। बढ़ते हैं इसी संग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन, हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टीजियस पॉली उमरीगर अवार्ड प्रेजेंटेड टू द इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो किसको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को मिलने वाले प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए फटाफट किसको किया गया है। अरे सर्वर स्लो है तो क्या हुआ, आपके आंसर तो करेक्ट आने चाहिए ना, उसकी चिंता आप मत करें स्टूडेंट। फटाफट लिख के बताइए किसका आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर पहले आ रहा है। और टाइम ओवर होता हुआ देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है विराट कोहली। अब देखना है किसने आंसर दिया है सबसे पहले। तो बिल्कुल विराट कोहली, अरुण जी का आंसर देख पा रहा हूँ, विराट कोहली इज द राइट आंसर। बहुत स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आज आंसर लगभग सभी के बिल्कुल सही सही आ रहे हैं। तो विराट कोहली इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसी संग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, Who assumed office as the new Secretary General of the South Asian Association for Regional Cooperation, जिसे हम कहते हैं SARC? तो किसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के नए महासचिव का पदभार संभाल लिया है? And your time starts now. देखते हैं किसका आंसर आता है सही। अभी अलका गुप्ता जी आप लोग अपना स्कोर कार्ड मत शेयर करिए, स्कोर कार्ड शेयर करने के लिए हम जानते हैं आपको क्वार्टर का वेट करना होगा, क्वेश्चन होंगे फटाफट शेयर करना। और यहाँ पे टाइम ओवर होता हुआ तो देखते हैं सही आंसर क्या है, अमजद हुसैन बी सयाल। तो देखें किसने आंसर दिया है सही, तो अमजद हुसैन बी सयाल जी का बिल्कुल सही आंसर है। तो किसने दिया है, कोई बात नहीं, स्लो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल ऋचा पाल जी का आंसर आ गया है सबसे पहले। वेरी नाइस स्टूडेंट, सभी लगे अब सबके आंसर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऋचा पाल जी आप काफी आगे हैं बाकियों से। स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, आपको इसी टीम स्पिरिट को जगाना है, अपनी इसी स्पोर्ट्समैनशिप का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये है कि आगे बढ़ते रहना। कोई आगे निकल रहा है तो उसको एक पॉजिटिव राइवलरी में लेना और उसको क्या करना, अपने बढ़िया के लिए आगे बढ़ना। तो देखिए फटाफट आंसर आ रहे हैं अमजद हुसैन, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रंट ऑफ यू हियर इट इज, तारक मेहता वॉज अ फेमस, आप जानते हैं सभी की तारक मेहता का हाल ही में निधन हो गया, तो वो क्या थे एक प्रसिद्ध, एंड द आंसर, और आंसर आने के लिए जानेंगे आपसे, और उसके लिए समय शुरू होता है आपका अब। 10 सेकंड दे दिए गए हैं। तारक मेहता क्या थे, फटाफट लिख दीजिए। फटाफट तारक मेहता जी जिनका हाल ही में, अब देखिए टाइम ओवर होता हुआ, देखिए इसका सही आंसर क्या, राइटर या फिर कहें सटायरिस्ट, बहुत बड़े सटायरिस्ट थे या फिर एक राइटर थे। तो किसका आंसर आ रहा है सबसे पहले देखेंगे, और आ गया है बरखा कुमारी जी का आंसर सबसे पहले, राइटर का, बिल्कुल सही, गुजराती राइटर। शताब्दी मोदी का भी आंसर आया, बिल्कुल सही, तो राइटर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू हियर इट इज, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ की रिजॉल्व एंड फोल ईगल इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन होम, तो की रिजॉल्व और फोल ईगल किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जानेंगे आपसे, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम ओवर होना हो रहा है अब, देखें बिल्कुल कॉलमनिस्ट भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बट मेरा क्वेश्चन था कौन थे, तो बिल्कुल सही, ये टाइम भी ओवर होता हुआ, देखें क्या आंसर आता है सही। तो सही आंसर आपके सामने आता है यूएसए और साउथ कोरिया, बिल्कुल सही, की रिजॉल्व और पोल ईगल यूएसए और साउथ कोरिया के बीच की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसने आंसर सही दिया, देखेंगे आपके थ्रू। यूएसए एंड साउथ कोरिया, अमरीश कुमार जी का आंसर आ गया है, वेरी नाइस। तो सबसे पहले अमरीश कुमार जी ने दिया, उनके लिए क्लैप बनता है स्टूडेंट्स, और जो बाकी लोग पीछे रह गए उनको पीछे नहीं होना है, अपनी इसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ना है, और इसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ क्या करना है, सारी चीजें जो आपने पढ़ी है उस रिटेनेबिलिटी का चेक है। तो उम्मीद कर पाऊं, मुझे खुशी हो रही है कि सभी के आंसर्स, मैक्सिमम लोगों के आंसर्स काफी सही है, हालांकि आगे पीछे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपके आंसर सही है और इस कमेंट बॉक्स में उनको मैं देख पा रहा हूं, उसका मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। तो देखिए इसी के संग 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, मैं देखना चाहूंगा आपका स्कोर कार्ड, तो फटाफट अपने स्कोर कार्ड को शेयर कर दीजिए और मुझे बताइए कि कौन सबसे ज्यादा स्कोर पर है, मैं वेट कर रहा हूं आपके स्कोर कार्ड के शेयर करने का। योगिता अग्रवाल जी का 5x5, वेरी नाइस, और भी लोग शेयर करें, सिल्की जी का भी 5x5 दिख रहा है मुझे, रंजीता जी का भी है 3x5, कोई नहीं स्टूडेंट्स, कम ऑन बढ़ना है इसी के संग आगे। बरखा कुमारी का 5x5, हर्षिता जी का 5x5, अरुण कुमार जी का 4x5, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, बहुत के क्वेश्चंस आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, मुझे खुशी हो रही है बहुत जानकर, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बात आपको याद है, आपको अगर बनना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उस ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए वही लिटिल एफर्ट चाहिए, दैट इज व्हाट, एक्स्ट्रा एफर्ट, और वो आप बिल्कुल कर पा रहे हैं, और इसी का आपको आंसर मुझे मिल गया है आपके इन कमेंट बॉक्स में, किसके थ्रू, आपके स्कोर के थ्रू। तो बिल्कुल बढ़ते हैं इसी संग अपने नेक्स्ट आगे की ओर सेशन की ओर, 5 क्वेश्चन पूरे हो गए, 15 क्वेश्चन और बाकी है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ क्या है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू हियर इट इज, कल्चरल सेक्रेटरी इज हुम हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो सांस्कृतिक सचिव कौन है जिनको पर्यटन मंत्रालय में सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है, एंड आपका समय शुरू होता है अब, देखिए क्या सही आंसर आता है आपका। वीडियो अगर नहीं चल रहा है तो देखिए ये परेशानी कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन है, कनेक्शन की है, क्योंकि हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, और यहाँ पे समय समाप्ति की घोषणा, देखते हैं सही आंसर क्या है। एनके सिन्हा, बिल्कुल सही, देखिए आंसर आ गया है सुधीर सिंह का सबसे पहले, एनके सिन्हा, तो एनके सिन्हा इज द राइट आंसर। किस किसने आंसर दिया, आप सभी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन कहीं ना कहीं जिसने आंसर दे दिया मैंने उसका नाम भी बोल दिया है, तो स्टूडेंट्स वेरी नाइस। बढ़ते हैं इसी के संग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखें क्या है, Who has won a gold medal for India in the 50 meter men's air pistol event at the ISSF World Cup 2017? तो किसने ISSF विश्व कप 2017 में पुरुषों की 50 मीटर पिस्तल स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया? And your time starts now.
कोई लेट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जितने क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर रहा है उसके बिहाफ पे उसका स्कोर तय होगा। डू नॉट वेडी, आपके सामने आंसर क्वेश्चन आ चुका है, आपको आंसर देना। और देखिए यहाँ पे टाइम ओवर होता हुआ, देखें इसका सही आंसर है क्या। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल फेमस हमारे देश के शूटर जीतू राय। तो बिल्कुल जीतू राय आ गया है सविता सिन्हा का सबसे पहले। तो वेरी नाइस स्टूडेंट, जीतू राय इज द राइट आंसर। तो देखें किस किस ने आंसर दिया है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, जीतू राय बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और बड़ा खुशी हो रही है मुझे ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल सही पाथ पे अपने प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो मेरा बेस्ट ऑफ लक आपके संग हमेशा रहेगा। और इसी के संग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड विमेंस यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन नवंबर दिस ईयर। तो कौन सा देश इस वर्ष नवंबर में विश्व महिला युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ और टाइम ओवर होता हुआ। तो देखिए सही आंसर क्या है, यहाँ पर टाइम ओवर, देखिए सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही, इंडिया गोइंग टू होस्ट दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप। और देखिए किसने सही आंसर दिया है, हर्षिता अवस्थी ने किया है सबसे पहले आंसर, वो है चाइना। बिल्कुल चाइना नहीं, इंडिया। तो चाइना इज नॉट द राइट आंसर, इंडिया इज द राइट आंसर। और हर्षिता अवस्थी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया सबसे पहले। अब सभी लोग आंसर लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आंसर इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन आगे रहा, हर्षिता अवस्थी जी रही। तो सभी को कांग्रेचुलेशंस, और हर्षिता अवस्थी के लिए एक क्लैप बनता है। तो बढ़ते हैं इसी संग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखें क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, हियर इट इज, रिसेंटली हु रिलीज्ड अ बुक ऑन एजुकेशन डिटेराइजेशन इन हायर एजुकेशन। तो हाल ही में किसने शिक्षा पर आधारित पुस्तक डिटेराइजेशन इन हायर एजुकेशन का विमोचन किया। और आपका समय शुरू होता है अब, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप फटाफट दे देंगे। देखें क्या है इसका सही आंसर आपके थ्रू, 5 seconds बचे हैं, 4, 3, 2, 1, और यहाँ पे समय समाप्त घोषणा। देखिए सही आंसर है क्या, बिल्कुल सही, बिहार के सीएम है कौन, नीतीश कुमार। तो बिल्कुल देखें किसका आंसर आ गया है, सबसे पहले आंसर आता हुआ किसका, मैं देखना चाहूंगा, बिहार सीएम हर्षिता अवस्थी ने बिहार सीएम लिखा है, और अमरीश कुमार जी ने नीतीश कुमार लिखा है। तो दोनों ही मैं टॉप कहूंगा, दोनों ने ही इस बार टॉप कर लिया, सबसे पहले आंसर दिया है, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार इज द राइट आंसर। अब सभी लोग आंसर दे रहे हैं, देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है इस बार जिस स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के संग ये जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर एकदम सही पाथ पर बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं इसी संग अपने 10th क्वेश्चन की ओर, और हमारा ये होगा इस शो का अपना हाफ क्वेश्चन। तो देखें क्या आता है आपके सामने, जॉन हैम्पशायर हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो जॉन हैम्पशायर किस देश के रहने वाले थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, जानेंगे आपसे थ्रू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल सही, देखें क्या आ रहा है आंसर आपके थ्रू। तो टाइम ओवर होता हुआ और इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। देखिए सही आंसर है क्या, इंग्लैंड, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं जॉन हैम्पशायर। और देखिए किसने आंसर दिया है सही और सबसे पहले, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू है, इंग्लैंड, अमरीश कुमार जी का आंसर आ गया इंग्लैंड, वो भी सबसे पहले। आई एम वेरी ग्लैड स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, लेकिन अगर बात करी जाए कहीं ना कहीं पहले की, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है नेटवर्क का इश्यू होता है, सर्वर की बात होती है, जिसका सर्वर एकदम लाइन अप हो गया हमारे संग, एकदम प्रॉपरली कॉन्करेंट हो गया, उसका आंसर पहले आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने सही आंसर दिया मेरे नजर में वो सभी विनर है। और अगर आप चाहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना, तो करना यही है कि जो आया है नंबर वन उससे आप एक पॉजिटिवली राइवलरी लें, और अगली बार और क्या करना है आपको, टाइप करना है बिल्कुल फास्ट, क्योंकि आप जानते हैं एग्जामिनेशन जो है अब वो रिटन नहीं रह गए हैं, वो सब कंप्यूटर पे हो गए हैं। तो कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा जल्दी टाइप, अब टाइप करने का तो सिस्टम ही नहीं है, सीधे क्लिक करना है, तो जो उस पर सबसे ज्यादा जल्दी कर पाएगा वही आगे हो जाएगा। और इसी संग योगिता अग्रवाल जी का 10x10 मैंने स्कोर देख लिया है, सभी लोग क्या करेंगे, अपने स्कोर कार्ड शेयर करिए, मैं भी देखना चाहता हूं आपके स्कोर कार्ड और खुश होना चाहता हूं। बिल्कुल, अलका गुप्ता जी का भी 10x10 है, तपस्या जी का, मीना जी का 7x10 है, कोई दिक्कत की बात नहीं स्टूडेंट्स, आगे आपको और मौके मिलेंगे। ऋचा पाल जी का भी 10x10 है, अरुण कुमार, सिल्की जी, पायल साहू, प्रियंका चंद्रे, सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी नाइस स्टूडेंट। आज लग रहा है कि वाकई आप अच्छा ही पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे एक डाउट था कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट क्या, कि कहीं जियो को वो छोड़ तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब वाकई मुझे लग रहा है कि आप जियो को छोड़ नहीं रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले सेशन हमारे होंगे और फोकस करेंगे आपके SBI PO मेंस की ओर। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और अपनी रिटेनेबिलिटी को क्या करते रहिए, चेक करते रहिए। तो देखिए हाफ राउंड हो गया है, फटाफट आप स्कोर शेयर कर रहे हैं, और एक बात कहूंगा, When you feel like quitting, जब आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो आप याद रखें कि आपने स्टार्ट क्यों किया था।
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपको लगे कि आप क्विट कर देंगे, आपसे नहीं हो रहा, तो आप उस पल को याद करिएगा जिसमें आपने इस इनिशिएटिव के चलते अपने इस टास्क को स्टार्ट किया था। जब आपको वो याद आ जाएगा तो मेरी मान के चलिए आप हर हाल में उस चीज को क्विट नहीं करेंगे जब तक कि वो चीज पूरी ना हो जाए। तो बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हमेशा बड़ों का आदर करिए और इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि अभी आपका पीक टाइम है आपकी पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर लगे कि बहुत कठिन हो रहा है, बहुत चीजें दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप वाकई याद करिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, और उसी स्टार्टिंग पॉइंट से आपको मोटिवेशन मिलेगा जिसको आपका वो सेल्फ मोटिवेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी मेरी बात। बढ़ते हैं इसी संग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, Who will be India's envoy to Nepal? तो कौन नेपाल में भारत के राजदूत होंगे, जानेंगे आपके थ्रू, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट के साथ आधा टाइम निकल गया है। 3, 2, 1, टाइम इज ओवर। एंड देखते हैं सही आंसर क्या आता है। मनजीव सिंह पुरी। तो मनजीव सिंह बन गए हैं या कहेंगे आने वाले समय में होंगे कौन नेपाल के राजदूत भारत की तरफ से, तो कौन है, किसने दिया है आंसर। बिल्कुल देखें किसने आंसर दिया है सही। अब वेट कर रहा हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है, वो भी सही। बिल्कुल प्रखर। तो प्रखर जी का आंसर आ गया सबसे पहले। वेरी नाइस स्टूडेंट्स। हालांकि आंसर अब सभी के सही आ रहे हैं, लेकिन प्रखर जी का आंसर आ गया सबसे पहले, आप खुद भी देख पा रहे हैं और हम भी देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा और बढ़ेंगे इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, द इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेजर फायरिंग ऑफ एन एंटी शिप मिसाइल फ्रॉम एन इंडिजिनियसली बिल्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। तो भारतीय नौसेना ने किस स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी से पहली बार पोत रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, जानेंगे आपके थ्रू, और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल कुछ लोगों ने डिसाइड किया इस बार सिलेक्शन होगा, सभी लोग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बनाइए तभी होगा। मेरा मानना है कि आप बिल्कुल करके रहेंगे आपका सिलेक्शन अगर इसी पाथ पे आप बढ़ते रहे और सारे डिस्ट्रेक्शन को हटा दीजिए। तो देखिए किससे किया गया है, टाइम ओवर होता हुआ। सही आंसर है आईएनएस कलावरी। तो आईएनएस कलावरी कहें या आईएनएस कलावरी कहें, बिल्कुल सही आंसर है। और मोनिका गौतम जी का आंसर मुझे दिख रहा है सबसे पहले। हो सकता है कुछ लोगों को और भी आंसर चला गया हो, तो माफी चाहता हूं अगर किसी का नाम पहले आ गया और मैं उसको अनाउंस नहीं कर पाया, क्योंकि यहां पे स्क्रॉलिंग बहुत स्पीडली होती है, तो अगर किसी का नाम छूट जाता है तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। आप जान पा रहे हैं कि किसने सही आंसर दिया, ये चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से किसी का नाम पहले बोल रहा हूं या सेकंड बोल रहा हूं। जिसका आंसर मुझे या जिसका नाम मुझे दिख पा रहा है मैं उसको अनाउंस कर दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे उस बात हो रही थी उस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के नाम की जिसका नाम है आईएनएस कलवरी। तो आईएनएस कलवरी आंसर सभी ने सही दिया है। बढ़ते हैं अपने अगली ओर। आईएनएस विक्रांत नहीं, वो तो आपका युद्ध पोत है, यहां पे ये सबमरीन की बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं शिक्षक अपने अगली ओर। तो आ रहा है आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखें क्या, What is the name of the radar which is formally handed over to Indian Army by DRDO? तो रडार जो औपचारिक रूप से DRDO द्वारा भारतीय सेना को सौंप दिया गया उसका नाम क्या है, जानेंगे आपके थ्रू, ऑन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। काफी लोग जुड़े हुए हैं, देखें टाइम ओवर भी होता हुआ है और यहाँ पे समय समाप्ति की घोषणा। देखें सही आंसर क्या है, स्वाति। बिल्कुल सही, उस रडार का नाम है स्वाति। तो देखें किसने सही आंसर, अरे हर्षिता अवस्थी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है क्या, स्वाति। बिल्कुल सही, वेरी नाइस स्टूडेंट। मोनिका गौतम जी, हर्षिता अवस्थी जी, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं जिनके नाम नहीं ले रहा वो आंसर नहीं दे रहे, सभी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई पहले आंसर देता है तो उसका नाम तो लेना बनता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कीप इट अप गाइस। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, Who has been appointed as the new Prime Minister of Sudan? तो कौन सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जानेंगे आपके थ्रू, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखें टाइम स्टार्ट हो गया है, क्या आता है सही आंसर। टिकलिंग हो रही है क्लॉक की और 2, 1 आपकी घोषणा। देखिए सही आंसर है क्या, तो बकरी हसन साले। तो बकरी हसन साले बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसका आंसर किसने दिया है, क्योंकि नाम टिपिकल है और कहीं ना कहीं टिपिकल नाम है तो याद करने में भी दिक्कत होगी। अरे वाह, ऋचा पाल जी का आंसर आ गया है सबसे पहले। वेरी नाइस स्टूडेंट, वेरी नाइस।
तो बकरी हसन सलेह जी राइट आंसर और जिटापाल जी ने आंसर सबसे पहले दिया है। आप भी देख पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे और सभी को कहेंगे कीप इट अप गाइस। आप सभी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं, और ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक ही बार आंसर देके नंबर वन हो रहा है, लगातार आप देख पा रहे हैं अलग अलग नाम आ रहे हैं जो पहले पहले आंसर दे पा रहे हैं। तो ये इसका मतलब शो हो रहा है क्या कि सभी लगे हुए हैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही आंसर आते हुए। और इसी के संग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, हु इज द नेक्स्ट US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, तो अगले अमरीकी वाणिज्य मंत्री कौन होंगे, जानेंगे ये भी आपके थ्रू। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम स्टार्ट हो गया है स्टूडेंट, हाफ टाइम ओवर हो गया, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम इज ओवर। लेट्स लुक ओवर व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज विल्बर रॉस। तो देखिए किसने किया है आंसर सबसे पहले, विल्बर रॉस किसने दिया है आंसर। आई एम वेटिंग विल्बर रॉस। अरे वाह, सुधीर सिंह जी का आंसर आ गया है सबसे पहले, तो सुधीर सिंह को आपको मुबारकबाद देनी चाहिए और आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो विल्बर रॉस इज द राइट आंसर। तो देखिए 15 क्वेश्चन हो गए हैं, केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो कहीं से भी रैंडमली उठाया जा सकता है, हम फोकस कर रहे हैं आपके लिए करंट अफेयर्स जो कि जनवरी ऑनवर्ड्स हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 2017 आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा मैटर करेगा। तो हमारा भी फोकस यही है कि 2017 की जो भी आपकी क्या हो, आपकी न्यूज हो, उनसे आपको डिटेल में प्रोवाइड की जाए। हम लोग एमसीए के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, और जैसा कि जानते हैं आप, इस सैटरडे को आने वाला है मेगा करंट अफेयर्स। जी हाँ, पूरे मार्च महीने का मेगा करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे केवल एक पर्टिकुलर शो में। तो एक महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें होंगी वो दोबारा से आपके सामने से गुजरेंगी, और एक बात आपके पास अच्छा मौका रहेगा, जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है उनके लिए दोबारा नोट कर पाने के लिए, और जो लोग नोट कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल्स, उनके लिए रिवाइज करने का। तो उम्मीद करता हूं हमारा इनिशिएटिव आपके लिए अच्छा होगा। और 15 क्वेश्चंस ओवर होते हुए कहते हैं ना एक बात कि लुक इन द मिरर, दैट्स योर व्हाट, दैट्स योर कंपटीशन। अपने मिरर में मतलब शीशे में देखो अपने आप को, और असली कंपटीशन आपका खुद से है। क्योंकि जिस दिन आप समझ गए कि आपका असली कंपटीशन खुद से है, तो अपने आप को इंप्रूव करने का आपका जो लेवल होगा वो लगातार एनहांस होता चला जाएगा और आप कभी रुकेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं इसी संग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेल, तो कौन सेल के निर्देशक मतलब वाणिज्यिक डिपार्टमेंट के निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जानेंगे ये भी आपके थ्रू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल टाइम ओवर होता हुआ, यहां पे टाइम ओवर, देखिए क्या है आंसर है सोमा मंडल। तो सोमा मंडल किसने आंसर दिया है देखेंगे। बिल्कुल स्कोर कार्ड भी शेयर कर रहे हैं, वेरी नाइस स्टूडेंट, मैं भूल गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, सोमा मंडल सुधीर सिंह जी का आंसर आ गया, वो भी सबसे पहले, वेरी नाइस स्टूडेंट। सभी आंसर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ज्यादा क्विक हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं, तो बिल्कुल आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में आप देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ समय कम है, तो आपके पास एक एडवांटेज होता है अगर आप चीजों को क्विक कर पाते हैं। तो उम्मीद कर पाता हूं मेरी बात समझ में आ गई। एक कमेंट लेंगे, स्टूडेंट ने पूछा कि मेगा करंट अफेयर्स कब होगा, वो होगा आपका सैटरडे को। तो इस सैटरडे को क्या टाइमिंग होगी आपको डैशबोर्ड के थ्रू आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगी। बट ध्यान रखिए मेगा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, उसको बिल्कुल भी छोड़े ना। हर हाल में अपना कुछ टाइमिंग अगर आपके पास कोई काम आता है तो उसके लिए जरूर समय निकाल लें, क्योंकि एक ऑनलाइन की बात अलग होती है। हालांकि वो सारी चीजें ऑफलाइन वर्जन में आपको बाद में मिल जाएंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऑनलाइन भी जुड़े और उससे रूबरू हो सके जो उस समय की न्यूज है। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं इसी तरह अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, Which Indian movie has bagged maximum awards at the South African International Film Festival 2017? तो किस भारतीय फिल्म को दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 में अधिकतम पुरस्कार मिले हैं, ये भी जानेंगे आपके थ्रू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रैपिड फायर एक बढ़िया शो है जिसके थ्रू आप अपनी एक्यूरेसी और अपनी स्पीड दोनों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चेक किया जा रहा है कि आपने कितना याद करके रखा है और बाकी कितना रिटेन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे समय समाप्ति की घोषणा देखते हैं, राइट आंसर क्या है, बाजीराव मस्तानी। बिल्कुल भंसाली जी की मूवी है बाजीराव मस्तानी, देखें किसने आंसर दिया है। सबसे पहले आंसर किसका आया है देखें। अरे वाह, सुधीर सिंह जी का आंसर फिर से, क्या बात है सुधीर सिंह जी, बहुत बहुत क्लैपिंग बनती है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज बनना चाहिए सुधीर सिंह जी के लिए कि लगातार कई क्वेश्चनों के आंसर इन्होंने सबसे पहले दिए। तो कमॉन गाइस, कमॉन बॉयज एंड गर्ल्स, कहां हैं आप,
पीछे क्यों रह रहे हैं, फटाफट टाइप कर दीजिए। यहाँ पे यही चेक हो रहा है कि कौन सबसे आगे है। अपने आप को भी आगे करिए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है और जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो भीड़ वहाँ ज्यादा होगी और साथ साथ एग्जामिनेशन का पैनिक और प्रेशर भी होगा। तो आपको इन्हीं तरीके से माध्यम से हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, जबकि आने वाले एग्जामिनेशन में आप क्या कर पाए, रॉक कर पाए। तो मेरा मानना भी है कि आप जरूर करेंगे। बढ़ते हैं इसी संग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, क्रिकेटर ड्वेन स्मिथ बिलोंग्स टू विच टीम। तो क्रिकेटर ड्वेन स्मिथ किस टीम के सदस्य हैं, जानेंगे आपके थ्रू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो टाइम स्टार्ट ना, देखिए टाइम स्टार्ट हो गया है, कौन आंसर करता है सबसे पहले देखें। टाइम ओवर होता हुआ, देखें सही आंसर क्या है। वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं ड्वेन स्मिथ। किसका आंसर आ रहा है सबसे पहले, नेट स्लो है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, आपके आंसर आने चाहिए वो भी सही। तो आंसर मैं देखना चाहता हूं वेस्ट इंडीज। देखिए प्रखर पराशर जी का इस बार आंसर आ गया सबसे पहले, तो वेस्ट इंडीज आंसर आ गया है प्रखर पराशर जी का। अब देखिए ऐसा नहीं है कि किसी एक ही का नाम है, कोई भी आंसर दे सकता है, जिसका आंसर सबसे पहले आ जाएगा वो कहीं ना कहीं बाकियों से आगे निकल जाएगा। तो इसका आंसर था वेस्ट इंडीज और कई लोगों ने आंसर दिया। अब कई क्या सभी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। कीप इट अप गाइस, नेट स्लो है कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, नेट स्लो है कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में सभी का नेट बराबर होने वाला है। आपकी यहाँ पे प्रॉम्प्टनेस आपको बताएगी कि आप कितना आगे हैं। अपने आप में ऑनेस्टी रखिए, आप जरूर आगे निकल जाएंगे, मेरा विश्वास है और अपने ऊपर भी ऐसा विश्वास रखिए। बढ़ते हैं इसी संग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, विच यूनिवर्सिटी हैज वन द एनुअल विजिटर्स अवार्ड 2017 फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो किस विश्वविद्यालय को देश में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक विजिटर्स अवार्ड 2017 मिला है, ये भी जानेंगे आपके थ्रू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप आंसर दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ गलती होती है उसी को सही करना है, और यहाँ पर समय समाप्ति होती हुई देखें सही आंसर क्या है, JNU। तो बिल्कुल JNU हो गया है टॉप, और उसको मिल गया है किसका, एनुअल विजिटर्स अवार्ड 2017। तो देखें अरे वाह हिमांशी मौर्य जी, तो हितांशी मौर्य जी का आंसर आ गया है, नहीं सुधीर सिंह का भी आंसर आ गया है, सॉरी कई लोग के आंसर ऊपर आ गया है, मुझसे मिस हो गया, लेकिन सबसे पहले मुझे आंसर दिखा है सुधीर सिंह जी का। हो सकता है उससे पहले भी किसी का आंसर आया हो, अगर मुझसे छूट गया तो माफी चाहता हूं दोबारा से, लेकिन अब सभी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, और यही देख के मुझे जो खुशी हो रही है आप उसका बयान नहीं कर सकते, क्योंकि सभी की प्रिपरेशन बिल्कुल सही है। और देखते हैं शिक्षक अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, आप क्लासेस की डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट, क्लासेस भी होंगी आपके मेंस आते आते, जितनी भी क्लासेस होंगी, जैसे कि डिजिटल क्लासेस अभी इंग्लिश की हो रही है, रीजनिंग की हो रही है, मैथ्स की हो रही है, GA की भी होगी, और जब GA की होगी तो उसमें हम आपके लिए जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं वो भी लेके आएंगे, और साथ साथ जो आपका कोर पार्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं शिक्षक अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्या कहें आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, हियर इट इज, इलियास अम्बुल हु सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट स्पीड अटेन्ड व्हाइल स्कीइंग बैकवर्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इलियास अम्बुल जिन्होंने सबसे तेज गति से पीछे स्कीइंग कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, किस देश के निवासी हैं, जानेंगे आपके थ्रू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए टाइम स्टार्ट हो गया है, बैंकिंग अवेयरनेस हो, XYZ हो, सभी के सेशन आएंगे आपके सामने। प्लीज यहाँ पे टाइम ओवर होता हुआ, देखिए सही आंसर क्या है, सही आंसर आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं आपके अम्बुल, और वाह, और यहाँ पे आंसर मुझे प्रखर पराशर जी का दिख रहा है, बिल्कुल सही, प्रखर पराशर जी दोबारा से नंबर वन आ गए, और इन्होंने सबसे पहले आंसर दे दिया स्विट्जरलैंड। अब सभी आंसर दे रहे हैं स्विट्जरलैंड, उम्मीद करता हूँ अब सभी के आंसर आएंगे भी स्विट्जरलैंड, वेरी नाइस। कुछ लोग नीदरलैंड आ रहे हैं, नीदरलैंड नहीं आंसर है स्विट्जरलैंड। तो देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ओवर होते हुए और 20 क्वेश्चंस आज का जो सेशन था, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैक्सिमम लोग के आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं। हालांकि मैंने भी कोशिश करी है कि आपके लिए काफी रीसेंट क्वेश्चंस रखे जाएं, लेकिन देखिए रीसेंट की बात करेंगे, खाली रीसेंट से मतलब नहीं, हमें तो जनवरी ऑनवर्ड सारा डेटा पढ़ाई करना है, रिकॉल करना है, तो उसके लिए आपको जनवरी से बिल्कुल लग जाना है। अब वेट आ गया है, अब समय किस चीज का है, समय आ गया है आपके स्कोर कार्ड को शेयर करने का। अरे वाह शिल्पा राजक जी का 20x20 है, सविता सिन्हा जी का भी 20x20 है, बहुत लोग के हैं, सुमन सैनी रानी जी का 15x15 है, अलका गुप्ता जी का भी 20x20 दिख रहा है मुझे, अरे वाह बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। अपने आप में ऑनेस्ट रहिए, इसी पे ही सब कुछ है। मैं देखना चाहूंगा और लोगों के व्यूज, फटाफट देखिए, मैं वेट कर रहा हूं। और आज के शो को एंड करेंगे इसी के संग, और एक बात पॉजिटिविटी वाली बात तो जरूर होनी चाहिए ना,
कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप ओनली व्हेन यू आर डन। मतलब जब तक कोई काम आपका खत्म हो जाए तब तक मत रुकिए, भले ही आप बीच में कितने भी थक गए हो। और जब आप थक जाए तो आप याद करें कि आपने वो चीज को स्टार्ट क्यों किया था और उस चीज को स्टार्ट करने के पीछे आपका मोटिव क्या है। तो जैसा आपको याद आ जाएगा, जैसे ही आपको वो मोटिव याद आ जाएगा, मुझे मान के चलिए आप उस चीज को आपके थकान के ऊपर नहीं हावी होने देंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन रखेंगे। और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप रुकेंगे नहीं। तो मेरा विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है, आपको मुझ पर विश्वास है, इसी तरह पढ़ते रहिए। क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप चमकेंगे और आप शाइन करेंगे तो हम शाइन करेंगे। क्यों? बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।